भाग। अब देखो भाग हम कैसे लगाते हैं, देखिए जैसे मुझे 256 है मेरे पास, है ना। अब 256 में मुझे 16 का भाग लगाना है, किसका लगाना है, 16 का मुझे भाग लगाना है। 256 में मुझे 16 का भाग लगाना है, ठीक है ना। अब 16 का टेबल मुझे याद होना चाहिए, 256 में मुझे 16 का भाग लगाना है, इसके लिए मुझे 16 का पाड़ा याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, याद होना चाहिए ना। तो अब 16 का टेबल बोलो कि 25 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 16 एकम 16, 16 दूना 32, तो ज्यादा हो गए। दो बार अगर हम 16 का पाड़ा बोलते हैं तो 32 आते हैं, मतलब ज्यादा हो गए। तो दो बार नहीं बोलेंगे, एक बार ही बोलेंगे, 16 एकम 16। अब 5 में से 6 नहीं घटते तो इससे एक उधार ले लेंगे, इससे एक उधार ले लेंगे तो यहां कितने हो जाएंगे, 15 में से 6 घटेंगे तो 9। इसने किसको दे दिया तो यहां कितना रह गया, एक। एक में से एक गया तो जीरो, ठीक है। ऊपर से उतारा 6। अब 16 का पाड़ा बोलिए कि 96 आ जाए, 16 पंजे 80, 16 छंग। इस तरीके से आपके सामने भाग खत्म हो गया। ये 16 क्या है, इसको भागफल कहते हैं। शेषफल कितना आया, शेषफल जीरो आया। बात समझ में आ गई सबको, बात आ गई ना सर। अब मुझे 289 में लगाना है भाग 17 का, किसका लगाना है, 17 का भाग मुझे 289 में लगाना है। 17 का पाड़ा बोलो, 17 में दो आते हैं क्या, नहीं। तो फिर 28 ले लो, एक दो से काम नहीं चल रहा तो दो अंक ले लो, 28 ले लो। अब 17 का टेबल बोलो कि 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 17 एकम 17, 17 दूना 34। तो दो बार हमने टेबल बोला तो ज्यादा हो गया, दो बार में ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, एक बार ही बोलेंगे, 17 एकम। अब एक इसको दे दिया इसने, सॉरी देने की जरूरत नहीं है, 8 में से 7 गया तो, 2 में से 1 गया तो, ऊपर से उतारा 9। अब 17 का टेबल बोलो कि 119 आ जाए, 17 पंजे 85, 17 छंकी 102, 17 सत्ते 119, ठीक है। भागफल कितना है, 17। शेषफल कितना, जीरो। आगे बात समझ में, अगला प्रश्न है ना। डस्टर नहीं है क्या अपने इस क्लास में, चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है आपका, 1331 में हमें 11 का भाग लगाना है, कितने का भाग लगाना, 11 का। तो 11 का टेबल बोलो कि 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 11 एकम 11, 3 में से 1 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, ऊपर से उतारा 3। 11 का टेबल बोलो कि 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 33 ज्यादा हो गया ना, तो 11 दूना 22, तो 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, ऊपर से उतारा 1। 11 का टेबल बोलो कि 11 आ जाए, 11 एकम 11, 11 एकम 11। और इस प्रकार से आपके सामने 121 कितना आया, भागफल कितना, शेषफल कितना। चलिए अब हम लगाते हैं 1728 में लगाएंगे हम भाग 12 का, है ना। अब 12 का टेबल बोलो कि 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 एकम 12, कितने बचेंगे, 7 में से 2 गए तो 5, 1 में से 1 गया तो 0, ऊपर से उतारा 2। 12 का टेबल बोलो 52 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 पंजे 60, तो ज्यादा हो गए।
तो 12 चौक 48। अब एक इसको दे दिया तो यहाँ पे कितने हो गए, एक इसको देने से यहाँ हो गए 12 में से 8 घटा दो तो 4, और यहाँ रह गया 4, 4 में 4 गया 0, ऊपर से उतारा 8। अब 12 का पाड़ा बोलो कि 48 आ जाए, 12 चौक 48। इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि भागफल 144 और शेषफल 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब अगला प्रश्न है हमारा 1296 में 18 का भाग लगाओ। अब 18 का भाग कौन लगा सकता है, जिसको 18 का पहाड़ा आता है। 18 का पहाड़ा किस किस को आता है, हाथ खड़े कर लो। अच्छा, जिसको नहीं आता वो खुद खड़े हो जाओ, जिसको 18 का टेबल याद नहीं है वो खुद खड़े हो जाओ। यस, तो देखो अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनको 18 का पहाड़ा नहीं आता है, अगर उसको इसका भाग दे देंगे तो कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो 18 का पहाड़ा कौन याद करेगा, मैं याद करूंगा क्या, चलो तुम ही कर लोगे, कल सुना देना है ना, बढ़िया। तो 18 का पहाड़ा बोलो कि 12 आ जाए, तो 18 के पहाड़े में 12 आते क्या, तो हम क्या करेंगे फिर 129 ले लेंगे। तीन दो अंक से काम नहीं चल रहा तो 3 अंक ले लेंगे, दो अंक से काम नहीं चलता 3 अंक ले 129। 18 का पहाड़ा बोलो कि 129 आ जाए, 18 95, 18 6 108, 18 7 126। 18 7 126, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से उतारा 6। 18 का पहाड़ा बोलो 36 आ जाए, 18 2 9 36, और इस तरीके से पूरा पूरा भाग चला गया। 72 क्या है भागफल, और शेषफल कितना आया बेटा, शेषफल हमारे पास 0 0। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं। अब हम लगाते हैं 512 में 16 का भाग, किसका, 512 में हम 16 का भाग लगाते हैं। 16 का पहाड़ा बोलो कि 51 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौक 64, तो ज्यादा हो गए, तो 16 तिया 48 है ना। फिर एक इसको दे दिया तो कितने हो गए, 11 में से 8 गए तो 3, इसने एक इसको दे दिया था, यहाँ 4 रह गए, 4 में से 4 गए तो 0 0। ओके, ऊपर से उतारा कितना आएगा, 32। 16 का पाड़ा बोलो 32 आ जाए, 16 दूना 32, तो भागफल कितना और शेषफल कितना। चलो अगला प्रश्न हम लेते हैं। एक हजार चौबीस, इसमें हमें भाग लगाना है 16 का। 1024 में किसका भाग लगाना है, 16 का। 16 का टेबल बोलो कि 102 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 16 5 80 16 6 16 7, तो ज्यादा हो गए, तो 16 6 96। अब कितने बचेंगे बेटा, इसने किसको दे दिया 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ 9 रह गया, 9 में से कितना घटेगा, 9 में से 9 घटेगा तो 0, ये कितना 6,
ऊपर से उतारा चार, तो 16 का पारा बोलो 64 आ जाए, 16 चौक 64, और इस तरीके से भागफल 64 है और शेषफल 00, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम लगाते हैं 729 में भाग लगाते हैं 27 का। अब 27 का टेबल किस किस को याद है? 27 का टेबल किस किस को याद है? 27 का टेबल याद है क्या? किसी को याद नहीं है। टेबल बनाना किस किस को आता है? 27 का टेबल बनाना आता है, तो फिर क्या दिक्कत है? 27 का पारा मुझको भी नहीं आता है, मगर मुझको टेबल बनाना आता है ना। तो देखो, अब मुझे 27 का भाग लगाना, मगर प्रॉब्लम क्या मेरे साथ? मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे 27 का पारा नहीं आता है। नहीं आता है तो क्या हो गया? क्या करें? रोने लग जाए क्या? रोने से सवाल हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। देखो, मैं बनाना सिखा रहा हूं, आप भी सीखो, है ना। ये 27 लिख दिया ना, 27 एक लाइन खींच दो, खींच दी। 7 × 7 = 14 हासिल 1, 7 × 21 हासिल 2, 7 × 28 हासिल 2, 7 × 5 = 35 हासिल 3, 7 × 42 हासिल 4, 7 × 7 = 49 हासिल 4। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ रही है यहां तक? अब देखना, 2 × 2 2 × 2 = 4 4 × 1 = 5 2 × 3 = 6 6 × 2 = 8 2 × 4 = 8 8 × 2 = 10 2 × 6 = 12 12 × 3 = 15 2 × 7 = 14 2 मिनट 1 2 3 4 5 2 × 5 = 10 2 × 5 = 10 10 × 3 = 13 10 × 3 = 13 2 × 6 = 12 12 × 4 = 16 2 × 7 = 14 14 × 4 = 18 14 × 4 = 18 2 × 7 = 14 14 × 4 = 18 2 × 6 = 12 12 × 4 = 16 2 × 5 = 10 10 × 3 = 13 2 × 8 8 × 2 = 10 2 × 3 = 6 6 × 2 = 8 2 × 2 = 4 4 × 1 = 5 बात समझ में आ गई? टेबल बन गई ना? ऐसे बनाते क्या तुम कैसे बनाते? ये तरीका किसको याद है? कि सर मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ सर। ये वाला तरीका किसी को था क्या मालूम? मैंने ये टेबल बनाई है, ये तरीका किसी को मालूम था क्या? मालूम पड़ गया ना, डायरेक्ट बन गया ना टेबल। बस ऐसे बनाता हूँ, सवाल भी कर लिया। भागफल कितना आया? सही जवाब 27 जिनका उत्तर है वो जीत गया, वो जीत गया। चलो अब इन लोगों को भी जीता देते हैं ना। 27 का टेबल बोलना है कि 72 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 27 × 27 27 × 27 = 81 तो ज्यादा हो गए, तो 2 बार ही जाएगा 54 कितना बचेगा भैया? 1 इसको दे दिया 12 में से 4 गया तो 8 11 गए 6 6 में से 5 गया तो 1 ऊपर से उतारा 9। हेलो इधर ध्यान दो, 17 का पारा बोलो 190 आ जाए, 17 का पारा बोलो 190 आ जाए, 17 का पारा सॉरी 27 का पारा, 27 का पारा बोलो 190 आ जाए, 27 सत्ते। देखो मैं पहले चालक हूँ, मैंने यहां तक ही लिखा, सब पहाड़ा यहां तक लिखा, क्योंकि यहां तक मेरा काम हो रहा है। जब मेरा काम यहां तक हो रहा है तो मैं आगे क्यों जाऊं? अरे भैया, यहां तक करने में मेरा काम सिद्ध होता है तो मैं आगे क्यों जाऊं? मैं नहीं गया, दिमाग 190 और ये आपका हो गया 0 0 0। बोलो, भाग कठिन लग रही है क्या तुम लोगों को? भाग संक्रिया कठिन लग रही है क्या? नहीं। अभी भी अगर कोई ऐसा कहता है कि सर प्लीज कठिन लग रहा है, तो हाथ खड़ा कर दे, मैं और सरल तरीका बताऊंगा।
मुझे एक और सरल तरीका आता है। अगर ये कठिन लग रहा है तो किसी को कठिन लग रहा है कि इससे सरल तरीका होता ही नहीं। इससे सरल तरीका अभी तक तो नहीं बना, और बन भी गया हो तो मुझे नहीं मालूम, मगर इससे सरल होता ही नहीं। इससे सरल तरीका होता ही नहीं, जहां तक मेरा दिमाग कहता है, जहां तक मेरी बुद्धि जाती है, वहां तक यह है कि इससे सरल तरीका अभी तक नहीं आया गणित में। तो पर बुलबुल को मालूम हो तो पता नहीं कि सर मने मालूम है ना, सर है सर छिपा रिया है, मने तो मालूम है ना है। चलो ठीक है, चलो अगला प्रश्न अब आप लोगों के लिए। भैया भाग की बात कर रहे हैं, भाग भाग मिल्खा भाग सबने देखी, अरे भाग मिल्खा भाग देखी कि नहीं देखी? देखी मैंने तो तीन तीन चार चार बार देख ली। अभी भी आ जाने तो मैं शाम को आ जाए तो मैं शाम को देखू, रात में आ जाए तो रात में देखू, क्यों देखू उस पिक्चर को? भाग भाग मिल्खा भाग, उसी से तो भाग सीख गया। बोले नहीं, उससे भाग नहीं सीखा, उससे उस पिक्चर को जब भी देखते हैं तो क्या मोटिवेशन मिलता है, जीवन में कुछ करने की इच्छा होती है कि नहीं यार अपने को भी करना चाहिए। किस किसने देखी भाग मिल्खा भाग? हाथ खड़ा कर लो, हाथ खड़े कर लो जिसने। लड़कियां नहीं देखती क्या भाग मिल्खा भाग? देखी नहीं, तुम्हारा जीवन अधूरा बेटा, तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। भाग मिल्खा भाग भैया हमारे देश का महापुरुष, जिसने हमारे देश की आन बान शान, जिसको फ्लाइंग बटर कहते हैं, फ्लाइंग बटर। भाग मिल्खा भाग को क्या कहते हैं? फ्लाइंग बटर। जब वो चल जब वो दौड़ता है तो लगता है कि दौड़ नहीं रहा है, उड़ रहा है। उसके पांव जमीन पे आपको दिखेंगे ही नहीं, वो दौड़ता है इतना तेज है कि आपको पता नहीं चलता पांव इसने कब रखा, आपको ऐसा लगेगा पांव रख ही नहीं रहा है। तो बोलो आप मर गया भाग मिल्खा भाग? जो सरदार था मर गया वो तो, अभी मरा थोड़े दिन पहले, मगर हमारे देश की धरोहर था, हमारे देश की धरोहर, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में जिसने चमकाया है। उस मिल्खा को तुम नहीं जानते हो? अरे भाई उस मिल्खा को तुम नहीं जानते हो, उसकी पिक्चर तुमने नहीं देखी। चलो कोई बात नहीं, जीवन अधूरा है ना। चलिए अब हम आते हैं भाग पे। किस पे? भाग मिल्खा भाग पिक्चर नहीं देखी तो भाग तो देख ले। ये तो देख लो भैया, ये देख लो, फिर बोल जो मत भाग नहीं देखे हमने तो। सब 361 में मुझे 19 का भाग बताना है। अब 19 का टेबल मुझे आना चाहिए, अगर 19 का टेबल मुझे नहीं आता है तो फिर तो गलत बात। 19 एकम 19, 19 दूना 38, ज्यादा हो गए तो एक बार ही बोलेंगे 19 एकम 19। फिर एक इसको दे दिया, 16 में से 9 गए तो 7 बचे, इसने एक इसको दे दिया 2 रह गए, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है ना, 2 में से 1 गया तो ऊपर से उतारा 1। 19 का टेबल बोलो कि 171 आ जाए, 19 नम्बे 171। अब 441 में लगाएंगे 21 का भाग। अब 21 का टेबल किस किस को याद है? जिसको याद है वो तो बड़ी आसानी से कर लेगा, जिसको याद है, जिसको याद है वो बड़ी आसानी से करेंगे, मगर ऐसे बच्चे जिनको याद नहीं है वो क्या करेंगे? उनको रोना नहीं है, ये रोने लग गए तो किसी को दया आ जाएगी, है ना? दया कोई नहीं करेगा, है ना? दया कोई भी नहीं करेगा, है? कर भी लिया है? बोलो है बच्चे, क्वालिटी भी है, मतलब कहना चाहिए क्रीम बच्चे भी है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारे पास छाछी छाछ आ गई है। छाछ का मतलब कमजोर बच्चे, और क्रीम का मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल तैयार रहते हैं वो। तो वही आप देख लो जो कमजोर बच्चे उनके लिए मैं देखो आप लोगों को बता रहा हूँ, आप भी क्रीम बनने की कोशिश करें। देखो 21 है ना, हेलो 21 का टेबल याद नहीं, उसके लिए बहुत सरल फार्मूला, लाइन खींच दो, 1 एक एकम 1, 1 दुनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, 1 पंजे 5, 1 छंग 6, 1 सत्ते 7, 1 अठे 8, 1 नाम 9, 1 दाम 10।
दस तो इसमें दिखी नहीं गया। चलो बेटा दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौकार, दो पंजे दस, दो चंग बारह, दो सती चौदह, दो अठी सोलह, दो नम अठारह। ठीक है ना। अब मुझे 21 का टेबल बोलना है, 44 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 21 दूना 44, चार में से दो गया तो चार में चार गया जीरो, ऊपर से 21 से कम 21। ये भागफल कितना आया, शेषफल कितना आया, बोला बाप। इतनी सरल चीजें, सभी सरल है, दिमाग को बड़ा कर लो, बस दिमाग को बड़ा कर लो, दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है। अगला सवाल मैं अब आप लोगों को देता हूं, अच्छा सवाल दूंगा। 1024 में 32 का भाग लगाना है, 1024 में 32 का। अब आप बोलेंगे कि सर 32 का तो टेबल नहीं आता है सर हमको, तो वही मैंने आपको हर बार एक ही चीज है, देखो ये 32 है ना, 32। दो एकम दो, दो दुनी चार, दो दिया छः, तीन एकम तीन, तीन दुनी छः, तीन दिया नौ। बात समझ में आ गई यहां तक, इतने में काम हो रहा है अपना तो आगे क्यों जाए, इतने में काम हो रहा है तो आगे क्यों जाए, नहीं जाए, नहीं जाए। 32 का पहाड़ा बोलो, चलो एक और, दो चौक आठ ने तीन चौक बारह, 32 का पहाड़ा बोलो 102, 102। तो 32 का पहाड़ा अगर चार बार बोलेंगे तो कितना आएंगे, 32 का पहाड़ा चार बार बोलेंगे तो कितना आएंगे, 128 आते हैं। 32 का टेबल अगर हम चार बार बोलेंगे तो कितना आएंगे, तो कितनी बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे तो कितना आएंगे। इसने एक इसको दे दिया है, 12 में से 6 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 32 दूना 64। अब बोलो, जो हमें कठिन दिख रहा था, मालूम पड़ा कि वो तो बहुत सरल सवाल था रे, हमें कठिन दिख रहा था मगर जब हम करने लगे तो बहुत सरल हो गया है। तो गणित बहुत सरल है, गणित बहुत सरल है, बस ये है कि आपको उसको सिस्टमेटिक रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ेंगे तो आप गणित सीख जाएंगे, ठीक है ना।